प्रोसेसिंग लग रहा है। और जब आप इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करते हैं, जहाँ सीमा जी हैं, जब इंद्र काला हैं, डायरेक्टर साहब इतने तजुर्बेकार हैं, ये कितनी सही शुरुआत मानते हैं अपने करियर के लिए? फॉर स्टार्ट, दिस ए गुड फिल्म फॉर मी एंड इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर मी टू वर्क विद द एंटायर कास्ट। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि सीमा मैम, अतुल सर बहुत अच्छे हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट है, आई फील वेरी प्राउड। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मुझे कहीं जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे शुरुआत के जब इनिशियल ट्रेलर चालू होता है तो मुझे आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल साधना याद आई। क्या उसके भी रेफरेंसेस किए गए हैं या अलग तरह से कहने की कोशिश है? नहीं, एक्चुअल में उससे कोई रेफरेंस नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें वो सामाजिक उससे जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन टोटली ऐसा किसी भी फिल्म से हमारा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, बस जीवन है, जीवन में थोड़े बहुत रंग तो आते ही हैं, बट वो उससे अलग है। तो ये कहीं उससे आगे बढ़कर बात कही गई है, हमने कोशिश की है। सर, जैसे आपने अंदर बताया कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने शूट किए फिल्म, तो एज ए डायरेक्टर आपके लिए क्या चैलेंजेस आए वो टाइम पे, कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ा आप लोगों को, और यंगस्टर्स भी थे आप लोगों के साथ में, तो उनको किस तरह से गाइड किया आपने? नहीं, हमारी फिल्म तो कोविड से पहले शूट हो गई थी, बट कोविड में रिलीज रुक गई थी, तो वो जो वेटिंग पीरियड था 1.5 साल का, ब्रेक कर रहे थे, थिएटर खुले दोबारा से, सब कुछ सिनेमा चालू शुरू हो, तो हम सब ने वो पैंडेमिक झेला, काफ़ी लोग खोए अपने अपने, बट अब वापस से जिंदगी, वापस सारी जिंदगी चलने का नाम है। मिराज, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लोग थे और आप एक यंगस्टर है, तो आपने क्या सीखा, कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था आपके लिए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने इस फिल्म में दो कैरेक्टर किए हैं, एक मूंछ के साथ, एक विदाउट। सो इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए हमने आई थिंक 1 साल लिया, सर ने 1 साल से मेरी ट्रेनिंग करा रहे थे उससे पहले, 2018 में ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी इसके लिए। एंड सेट पे भी रोज ट्रेनिंग ही होती थी मैम के साथ, सर के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आप सभी का, वेलकम है। थैंक यू सर। आप बताइए मैम, किरदार के बारे में बताइए और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, लोगों को इतनी पसंद आ रही है, जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? जो कोई नई फिल्म आती है, नया किरदार करने को मिलता है, तो एक्टर के तौर पे हमेशा ही प्राउड फील होता है, हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिल्म अच्छी बहुत करनी चाहिए। और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिस मनोदशा की बात वो कर रहे हैं एक्टर की या किरदार की, वो ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। तो ऑफकोर्स जब भी फिल्म रिलीज होने को होती है तो मोमेंट होता ही है। और इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मतलब उनके बारे में अगर कुछ बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था, कितना सीखा वो लोगों ने आपसे? देखिए, आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से सीखते हैं, बहुत सारे नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, हम उनसे सीखते हो। भले आपका बहुत लंबा सा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारी फिल्में की हों, आपसे अभी सीनियर होते हैं, आपसे जूनियर होते हैं, आप छोटों से भी सीखते हो, तो फिल्म में गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। गिव एंड टेक नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो हर फिल्म में जब आपके साथ को एक्टर अगर छोटा उम्र का है तो उससे भी सीखने को मिल सकता है ना। तो ऑफकोर्स नई जनरेशन का अपना एक खूबसूरती है सोच में चीज़ों को आगे रखने के लिए, तो सीखने को मज़ा आता है। और बहुत बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि मतलब माँ करो दीदिया सर आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था? मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं जो विराज है उसका मैं फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, एंड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और बचपन से हम दोनों साथ में रहे हैं। उसका जो कैरेक्टर है वो शाय टाइप का, और मैं उसको यही पुशअप करने में लगा हूँ कि भाई जो आपने टाइटल में जो मर्द है वो मर्द एक्चुअली तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ कि भाई मर्द बन क्या कर रहा है, मतलब एक लड़की से तो प्यार करता है, कुछ बोल नहीं पा रहा उसको, और ना तो एक्सरसाइज करता है, ना जो एक समाज में जो चल रहा है कि भाई मर्द वही होता है जिसकी बॉडी है, लड़की पटा ले वो सब कर ले, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है, और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे ही बने। बट और सर से भी यही ब्रीफ मिला था कि भाई तेरा जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का बिंदास कैरेक्टर है, और तुमने
सीनियर कैरेक्टर और अपने सीनियर स्टार्स के साथ काम करने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो वो ये होगा कि क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे यंगस्टर्स के साथ काम करना और मतलब कैसे कुछ गाइड करना पड़ा उनको, या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज अ सीनियर एक्टर, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपका? हमारा एक्सपीरियंस है, मैं हूँ साथ में सीमा जी हैं, तो उससे ये खुद हो जाता है कि अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं और कुछ काम कर रहे होते, नया काम नहीं फील कर रहे हैं, उसमें नए लड़के आते हैं या नए नहीं भी होते हैं, हमारी एक आदत बन जाती है कि उस सीन को कैसे बेहतर करें, उस सीन को और बेहतर कैसे बनाएं, ना कि मैं खुद इंडिविजुअल कितना अच्छा करूं, ये नहीं होता है, सीन को कितना अच्छा बनाएं। हो सकता है कि वही कह रहा हूँ कि हमारा क्या कोशिश रहता है कि सीन को कैसे अच्छा किया जाए, जरूरी नहीं कि उसमें नए एक्टर हों उन्हीं को बताया जाए, नहीं, कहते हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं, एक्टर को पसंद आती है, हाँ बहुत अच्छा है, तो हम लोग करते हैं उसको, और ज़रूरी नहीं कि अपना डायलॉग उसमें बढ़ रहे हों, सामने वाले का भी बढ़ सकता है, हो सकता है मैं एक्सप्रेशन ही दूँ, अक्सर बोलता हूँ मेरा ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम बोलो तो सीन अच्छा लगता है। तो जब बात आती है नए एक्टर्स की, नए लोगों की, यंग लोगों की, और उन यंग लोगों की जिन्होंने पहले काम नहीं किया है, पहली फिल्म है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जिम्मेदारी भी होती तो है ही, और साथ में हमारी भी ये है कि सीन, फिर से वही बात कि सीन अच्छा होना चाहिए, तो हम बैठ के बात करते हैं, जैसे इस फिल्म में विराज हमारे रूम में आ जाता था और बैठ के बात करता था, तो अगर वो सुनना चाहता है तो हम बैठ के बात करते हैं, सीन को ऐसे अच्छा बेहतर ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, मैं ब्रजेंद्र काला अक्सर बैठे रहते थे साथ में, तो उस सीन को अच्छा करके और हम जितनी हो सकती मदद करते हैं। सर अगर फिल्म की यूएसपी की बात करें, अगर ऐसे 3 पॉइंट्स बताने हो फिल्म के बारे में, तो सर क्या यूएसपी होगी फिल्म की? एक तो सबसे बड़ी यही मर्द वाली बात जो है, ये सब महसूस की गई है, और अच्छा खासा मैंने पढ़ा भी है, टीचर भी पढ़ा है, तो इस बात को लेके कई राइटरों ने टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कभी उसको मेन सब्जेक्ट बनाकर कुछ ऐसा लेख नहीं आया सामने, तो पहली बार ऐसा हुआ किसी सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाई गई, और यही यूएसपी है इसकी, पहली वाली तो यही है, और दूसरी यूएसपी भी यही है, और तीसरी यूएसपी ये है कि काम ईमानदारी से, और ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं वो जाए दूसरों के दिलों तक जाए, वो यूएसपी है, और क्या कहें। अब यूएसपी जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा स्टार या मैं हूँ, ऐसे तो मैं बोलने वाला नहीं, ये यूएसपी है नहीं, तो यूएसपी यही है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, और आप लोग देखें इसको, फिर खुद डिसाइड करें क्या यूएसपी। बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस रहा, अलग इसलिए कि मैं बल्लभगढ़ फर्स्ट टाइम शूट के लिए गई थी, और मेरा किरदार शिल्पा का है इसमें, जिसमें मैं विराज की बहन का किरदार हूँ, और बहुत अच्छा क्राफ्ट आ रहा है इसमें मेरा फिल्म में, आई मीन के अपने भाई का पूरा सपोर्ट मुझे होता है, और असल में जो ये मर्द बेचारा के अंदर विराज जो मर्द बने हैं जिस टाइप के, वो अंदर से कैसे हैं और एक्चुअल में वो क्या हैं वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जो उसमें विराज और मेरी बॉन्डिंग दिखाई गई है, मतलब वो ऐसी है कि वो अपनी बहन को अपने मतलब कि अपने एक्चुअल में वो कैसा है, वो अपनी बहन के सामने ही प्रेजेंट होता है हर बार, मतलब उसकी बहन को पता है कि उसका भाई कैसा है, अदरवाइज वो अपने फादर को या फैमिली को दिखा नहीं पाता कि वो है कैसा, तो उसकी बहन शुरू से जानती है कि उसके भाई के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, और बाकी धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं, और
काफी अच्छा, बाकी आप देखेंगे तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, तो क्लाइमेक्स के अंदर काफी कुछ मैं बताती भी हूँ इस बारे में और समअप भी करती हूँ।